हाय, क्या आपको भी लोग इग्नोर करते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे चार बड़े रीज़न जिसकी वजह से सामने वाला हमें करता है इग्नोर, और जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा भी लगता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ओवर वैल्यू, जब हम सामने वाले को या किसी को ओवर वैल्यू करते हैं, मतलब उसकी वर्थ से ज़्यादा हम उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे वैल्यू करते हैं। अगर मैं बोलूँ देसी शब्दों में तो हम उसकी औकात से ज़्यादा, मतलब जो वो डिज़र्व भी नहीं करता उससे ज़्यादा हम उसे वैल्यू करते हैं। तो सामने वाला क्या करता है, हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है यार ये तो ऐवें ही है, बस हमेशा मेरे पीछे पीछे है, तो वो हमें मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर हेल्पिंग नेचर। देखो, हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर हमारा नेचर ऐसा है कि ओवर हेल्पिंग है, हम हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, और मतलब जब रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, सामने वाले को नीड भी नहीं होती, तब भी हम अपनी हेल्प देने के लिए रेडी रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप हेल्प कीजिए तब जब सामने वाला आपको हेल्प के लिए बोल रहा है, अदरवाइज आप हेल्प मतलब ओवर हेल्प मत कीजिए। इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो हमें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम इग्नोर फील करते हैं। नेक्स्ट, खुलकर अपनी बातें बताना, मतलब आप बहुत ओपन माइंडेड हो और आपको लगता है यार अपने सामने वाले को अपनी सारी बातें, अपने सारे घर की स्टोरीज बताने लग जाती है और सामने वाला आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है, उसे लगता है यार ये तो मतलब अपनी खुद ही बातें अपने घर की बताई जा रहा है या कुछ भी इस तरीके से, तो वो आपको क्या ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, तो वैल्यू नहीं करते तो डेफिनेटली आपको इग्नोर फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने सीक्रेट्स बताना। जब हम अपने सीक्रेट्स, क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होता है जो हमें रिवील नहीं करना होता है, जब हम अपने सीक्रेट सामने वाले को बता देते हैं तो सामने वाले की नज़र में जो हमारी वैल्यू है वो कम हो जाती है और वो हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपने, प्लीज़ इग्नोर मत होइए, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, कहीं चार वजह आप में तो नहीं है। तो वीडियो लगता है हेल्पफुल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।